कहाँ आ गए? पुण्या, हम शार्क टैंक पे हैं। चल, हमारी पिच का टाइम हो गया। हाय। हेलो। ओह हाय शार्क्स। हाय। शार्क्स, आजकल हर ओकेजन के लिए हमारे को एक लुक चाहिए होती है, चाहे वो एक एयरपोर्ट लुक हो, चाहे वो जिम लुक हो, चाहे वो डेट लुक हो। तो फिर हम सोने की लुक को बोरिंग क्यों रखें? That's where we come in. हम दो बहनें लाई हैं इंडिया को फैशनेबल बनाने के लिए हमारा ब्रांड Midnight Angels by PC. Midnight Angels एक लाउंजवेयर ब्रांड है जहाँ पे हम ऐसे कपड़े बनाते हैं जो आप घर पे तो पहनते ही हैं, लेकिन अगर आप बाहर डेट पे जा रहे हो या फैमिली के साथ डिनर पे जा रहे हो, आप वही कपड़े बाहर पहनकर भी जा सकते हो। एंड ट्रस्ट मी शार्क्स, किसी को पता नहीं चलेगा। हमारे बिजनेस की शुरुआत सिर्फ 1500 रुपए से हुई, सिर्फ नाइट सूट्स के साथ। एंड हमारे डिजाइन लोगों को इतने पसंद आए कि पहले 2 दिन में हमने 80,000 की सेल करी। वाओ। एंड सिंस देन वी हैव नेवर लुक्ड बैक। पहले 2 दिन में? हाँ जी, यस मैम। आज हमारी वेबसाइट पे 1000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और हम लाउंज वेयर से लेकर ट्रैवल वेयर की कैटेगरी में फोकस करते हैं। हम अभी तक 100 से भी ज्यादा सेलिब्रिटीज और 25,000 से भी ज्यादा कस्टमर्स को अपनी सप्लाई दे चुके हैं। हमारा एक ही सपना है, Midnight Angels को वर्ल्ड का नंबर 1 लाउंजवेयर ब्रांड बना, इंडिया से शुरू करके ग्लोबल जाना, और इसीलिए हम आज यहाँ पर आए हैं। मैं हूँ पुण्या और मैं हूँ करिना। हमारा आस्क है 75 lakhs for 6% of our equity. So sharks, क्या आप रेडी हो to slay in every look with Midnight Angels by PC? आप सिस्टर्स हो? Yes, real sisters. We have 11 year of age gap. I'm 25 years old. We started when I was 20. I'm 36 at the moment. So welcome to Shark Tank. So ये तो आपने बहुत ही fun brand बनाया है. Thank you. और ये 2 दिन में 80,000 ये चौंकाने वाले नंबर्स जो है, उसकी स्टोरी बताइए। थोड़े साल पहले हमारी फैमिली एक फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल रही थी। एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे हमारे पैसे ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुके थे। डैड का बहुत अच्छा बिजनेस था, लेकिन GST की वजह से वी वर ऑलमोस्ट एट नथिंग। हमारे डैड का बिजनेस जो था वो गुवाहाटी के साइड पे है, तो वो गुवाहाटी में थे। आप कहाँ रहते थे वो टाइम? गुड़गांव। पापा का हमारे को कॉल आया कि बेटा ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, पैसे नहीं है, मेरे को नहीं पता मैं वापस भी कैसे आऊँ। तो मैंने दीदी को बोला कि यार कुछ तो करना पड़ेगा दीदी, कल क्या खाएंगे वो भी नहीं पता। तो दीदी का एक रिस्क लेते हैं, नाइट सूट का एक काम है, ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं है, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे पास ये ब्रांड का विजन एक हमेशा से था, क्योंकि प्लस साइज नाइट वेयर, प्लस साइज लाउंज वेयर, अच्छे डिजाइन के मार्केट में पहले मिलना बहुत मुश्किल था। बहुत ही बोरिंग टी शर्ट्स और पजामाज मिलते थे। एक ये गैप हमारे को दिख रहा था मार्केट में, तो हम मार्केट गए, 2 दिन शॉप स्टडी करी, हमारे को वो क्वालिटी प्रिंट्स वैसे यू नो फैब्रिक्स नहीं मिले। लकीली एक दुकान पे, छोटी सी दुकान पे गए, वहाँ पे प्रिंट्स पड़े हुए थे, तो हमने 5-6 प्रिंट्स उठाए। मॉम का एक टेलर था, उसके पास गए, उसको बोला भैया ये वाले सैंपल्स बना दो। दीदी एक फेसबुक ग्रुप की पार्ट थी, फेसबुक के ग्रुप पे उस टाइम लोग पिक्चर्स क्लिक करके अपनी डालते थे और प्रोडक्ट सेल करते थे, तो दे वर मोस्टली रीसेलर्स। किस चीज का ग्रुप था? फैशन का? फैशन ग्रुप, सो इट वाज कॉल्ड शॉप पर। जैसे ही घर पे सैंपल्स आए, अगले दिन मैंने फोटो क्लिक करी, दीदी को बोला कि आप पोस्ट कर दो। यू विल नॉट इमेजिन, जब हमने वो पोस्ट करा, वी हैड 700 इंक्वायरीज। कितने का है, व्हाट इज द साइज चार्ट, वी वांट टू बाय, आप प्लीज हमें DM करो। हम बैठे दोनों सोफे पे, टक 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 शुरू करा। हमारे पेटीएम की उसकी कुछ तब 20,000 की लिमिट थी, KYC से पहले कुछ था, तो एक एक करके पहले मेरा पेटीएम भरा, फिर दीदी का, फिर मम्मा का, फिर पापा का भी भरवाया। तो पापा का ना दीदी को कॉल आया, अरे यार कोई प्रैंक कर रहा है क्या, ये मेरे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, मेरा पेटीएम ट्रिंग 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 हो रहा है। और ये एडवांस में लोग भर रहे हैं, एडवांस, एवरीथिंग एडवांस, सारा प्रीपेड था। पापा हमने ना नाइट वेयर का बिजनेस शुरू करा है, ये वहां से ऑर्डर्स आ रहे हैं। पापा अब हम बच जाएंगे, अब आप टेंशन मत लो, वी हैव टेकन द चार्ज। वाओ, फ्रॉम देयर एंड नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक फॉर आवर ब्रांड। कौन से साल की बात?
2007 एंडिंग। पापा भी इसी बिजनेस में है। वो प्रोडक्शन हेड करते हैं क्योंकि उनको मैन्युफैक्चरिंग का बहुत एक्सपीरियंस है। किस चीज का बिजनेस था उनका? बाथरूम फिटिंग्स का सर। तो उनका बाथरूम फिटिंग का भी साइड साइड अब चल रहा है, हमने दोबारा री इन्वेस्ट करा उनके बिजनेस में। आपने इन्वेस्ट किया है? हाँ जी। वाओ यार। हमने पैसे दिया है, लाइक पापा दोबारा काम शुरू करें। दिल से सलाम, बहुत अच्छी। थैंक यू। I have two daughters. उनके बीच में भी 8.5 साल का फर्क है। सर ये जो गैप है ना, एज गैप, ये बहुत हेल्प करता है। ये मेरी बहन नहीं है, ये मेरी माँ है। मेरे को तो उल्टा लग रहा था, टू बी ऑनेस्ट। आप शायद सबकी माँ हो। सीईओ आप ही हैं? ये कोई क्वेश्चन है? इतना बड़ा टी-शर्ट पे लिख के आ गए और बातों से लग रहे थे। ये जो आपने पहना है, दिस इज द नाइट वेयर। दिस इज एन एथलेजर। दिस इज द लाउंज वेयर। सो ये आप पजामा के साथ अगर आप पूरा पहनोगे तो वो आपका नाइट सूट बन जाएगा। क्योंकि हमारे प्रिंस इतने क्वर्की एंड फंकी एंड इट्स लाइक यू नो कि आप बाहर जाओ कॉफी के लिए, डिनर के लिए, आप तब भी पहन सकते हो। इंटरेस्टिंग। इमेजिन लाइक आई एम वेयरिंग ऑन द स्टेज ऑफ शार्क टैंक टुडे। अमन को भी चाहिए। ये मैं अच्छा वाला पिच सुन रहा हूँ, मेरे को लाने की क्या जरूरत है? हम लोग सबके लिए लेके आए हैं। अरे वाह, वाओ। अमन, दैट्स फॉर यू, दिस इज व्हाट वी हैव डिजाइन्ड फॉर यू। या आई लव इट, थैंक यू सो मच। अनुपम, लुक एट दिस। ओह, दिस इज एयरपोर्ट लुक, राइट? या दिखाइए पीयूष क्या लिखा है इसके। ओए जेम बात, एमबीए माल बेचना आता है। माल बेचना आता है, वेरी नाइस। This is great. कमाल के बंदे हो यार। Quality काफी अच्छी है। It's very soft. It's a good feeling. That is the idea, sir. It has to be so soft to your skin. आपको उससे बाहर निकलने का मन ही ना करे। ये PC का मतलब क्या है? परिणा चुग, पुनिया चुग। प्रियंका चोपड़ा आपको सू तो नहीं करेगी ना? मैम पीसी पे सिर्फ उसका राइट थोड़ा ना, हमारा भी है। पर आपका लोगो भी लिखा है मिडनाइट एंजल्स, इट इज ओनली गोइंग टुवर्ड्स नाइटवेयर। आई गेट दैट, हमारे को ये चीज हमने फेस करी थी जब हम एक्सटेंड कर रहे थे, थोड़ा सा इशू आया था, बट सर मार्केट कैप्चर करने आनी चाहिए। नहीं, मैं समझ गया, बट आपको लग रहा है ना कि अगर आप एक्सटेंड कर रहे हो तो थोड़ा सा होलिस्टिक लोगो होना चाहिए था, विच कुड इनकॉर्पोरेट अदर थिंग्स। सर जब हमने ब्रांड स्टार्ट करा था तब यू नो दैट वॉज नॉट द गोल, सिर्फ अपना सर्वाइवल का गोल था। आपने 12.5 करोड़ की वैल्यूएशन मांगी है, तो अगर 2 दिन में 80,000 किया है तो अभी तो अच्छा ही सेल्स होगा। 21-22 में वी डिड सेल्स ऑफ 1 करोड़ 80 लाख। और अभी तक हम ऑलरेडी 1 करोड़ की सेल कर चुके। कितना करोगे? ये सर वी आर गोना क्लोज दिस ईयर एट 4 करोड़। लास्ट मंथ कितनी सेल्स थी? लास्ट मंथ हमने 20 लाख पे क्लोज करा। तो लास्ट 3 महीने पे मंथ ऑन मंथ ग्रोथ क्या है? क्योंकि अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सीओडी में कैसा रिस्पांस रहता है, कभी 17 रहेगा, कभी 20, तो कभी 19। अगर आप 20 लाख अभी कर रहे हैं और आपका ग्रोथ रेट फ्लैट रहा है लास्ट 3 महीने में, तो आप 4 करोड़ कैसे कर पाओगे ऐसा? बस हमारे को एक अपनी प्रमोशंस बढ़ानी है, अपनी मार्केटिंग बढ़ानी है, एंड टू गेट द सेल्स ऑफ 30-40 लाख और 50 लाख इज नॉट अ प्रॉब्लम विद द ब्रांड, बिकॉज हमारे डिजाइन एक्सेप्टेड है मार्केट के अंदर। कितना मार्केटिंग डालते हो आप हर मंथ? हमारा 4.5 लाख का स्पेंड रहता है मार्केटिंग का। और कितना सेल्स आपका ऑनलाइन है और ऑफलाइन है? 100% ऑनलाइन है, अपनी खुद की वेबसाइट से। मार्केट प्लेस पे क्यों नहीं करते हो? सर अभी रिसेंटली हमने एक कंपनी से टाई अप किया है, सो नाउ वी आर ऑन मिंत्रा, नायका, अमेज़न आल्सो। आप तो प्रॉफिटेबल रहेंगी, राइट? वी आर। तो फिर आपको ये फंडिंग की क्यों जरूरत है? एक तो हमारे को अपनी इन्वेंट्री बढ़ानी है, अगर हम प्रमोशन पे पैसा लगाएंगे तो पीछे इन्वेंट्री नहीं होगी सप्लाई देने के लिए, देन व्हाट्स द पॉइंट? कैंसिल हो जाते हैं। तो आपको इन्वेंट्री के लिए पैसे चाहिए? इन्वेंट्री एंड प्रमोशन। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना है? 630 से 660 के बीच में आता है, डिपेंडिंग ऑन 650 पकड़ लेते हैं। और एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है? 2500। ग्रॉस मार्जिन कितना है? ग्रॉस मार्जिन सर 83%। 83% ग्रॉस मार्जिन? हां जी। पर आपको प्रॉब्लम बता दूं, जब ज्यादा आपके पास फंड्स भी आ जाएंगे ना, तो आपके पास ज्यादा स्टॉक आ जाएगा, फिर उसकी एक अलग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि आपको स्टॉक बेचना भी तो पड़ेगा। हमारे को बेचना आता है,
हमारा पैसा कहीं भी अटके नहीं वाला, हम लोग उसको लिक्विडाइज करना जानते हैं। सर तभी शायद एक रीजन है कि हम अभी प्रॉफिटेबल हैं। कितना प्रॉफिट बना लास्ट मंथ पे अगर बात करें तो हमारा नेट प्रॉफिट 20% का है। और रिपीट क्या है आपका? रिपीट अभी 15% है। रिपीट कम है। क्यों इतना कम? सर वी आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर दैट आउट कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि रिपीट क्लाइंटल बढ़े। रिपीट में चैलेंज ये होगा कि इस टाइप की जो लुक्स है ना वो आप एक ले लोगे दो ले लोगे पर हाउ मेनी लुक्स विल यू बाय? करेक्ट। अच्छा मैंने अपना डिसीजन बना दिया है। पुण्या एंड परीना नो डाउट आपकी हिम्मत और एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उससे मैं बहुत इंस्पायर हो गई हूँ। पर अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बिजनेस में यही प्रॉब्लम आ रहा है कि ये कॉपी करना बहुत आसान है, उस वजह से इसे स्केल करना मुश्किल हो जाएगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये एरिया में इतना इंटरेस्ट नहीं है मेरा। आई एम आउट। मैंने खुद 15 साल पहले एक लाउंज वेयर एंड लॉन्जरे कंपनी सेटअप करने का ट्राई किया था जिसका नाम था करेस। तब से ये मार्केट को मैं काफ़ी यू नो स्टडी कर रही हूँ। लोग ना 500-600 का नाइट सूट लेकर उसको पहनते रहते हैं, उनको ब्रांड किसी को दिखाना नहीं होता है। 2,500 का नाइट सूट पहनने वाला जो फिर मार्केट है ना ऑलरेडी 0.01% हो जाता है। इसलिए मुझे ये मार्केट थोड़ा सा स्कैरी लगता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम चीप अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। इसलिए मुझे राइट नाउ इसमें घुसने में इंटरेस्ट कम है, तो दैट्स व्हाई आई एम आउट। अनुभव एक बार डिस्कस करते हुए बस एक आइडिया है। आपकी स्टोरी बहुत टचिंग है, हसलर्स हो आप लोग, तो मुझे इसमें इशू आ रहा है। एक तो आपको इन्वेंटरी इशू के बारे में आपको थोड़ा सोचना चाहिए आगे जाके कैसे होगा, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी इशू आ सकता है। okay. और सेकंड इन्वेस्टर की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आगे जाके यू नो मेरे सवाए कोई भी इन्वेस्टर आता है तो आपको इन्वेस्टर इशूज भी होंगे। कल को सपोज नहीं चल रहा है ये बिजनेस तो क्या करोगे एक साल बाद? सर हमारे रोज के रोज नए डिजाइन आएंगे, नए पैटर्न आएंगे। आप बोलते हो ना हम एंटरप्रेन्योर पे पैसा लगाते हैं। आई कैन गिव यू माई श्योरिटी कि मैं इस मार्केट में इस इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन आपको ला के दिखाऊं। ओहो वाह। देखिए मैं आपको एक ऑफर करता हूँ। देखिए हमको काफी लग रहा है यहाँ से रिटर्न बनाना मुश्किल है, सो द ऑफर इज काइंड ऑफ to support you more than okay. Also to get our money back only from EBITDA. Okay. Okay. Not necessarily by selling the business because हमें नहीं लग रहा है ये इतनी जल्दी sellable होने वाला है। तो इसलिए हम चाहते हैं आपको debt भी दें और equity भी दें। 25 लाख रुपए in equity only and we both want 10-10%. Rationale is कि आपका 40 लाख का मैक्सिमम एबिटा होगा इस साल, उसमें हमको 20% में मिलेगा 8 लाख, अज्यूमिंग हमको 3 साल में हमारे पैसे वापस मिलेंगे, राइट? तो 8 ये 24 लाइक लगभग, एंड 50 लाख इज डेट। उस डेट में मेरा कोई इतना इंटरेस्ट का वो नहीं है, लेकिन बेसिक 12% तो होता ही है। हाँ, वो जो आप बिजनेस से इजीली पे कर पाओ, दैट इज द थिंग। हमारे पास एक काउंटर ऑफर है 75 लाख for 15% of equity in our company. एक बार चांस लेके देखो, I would guarantee you कि हम तो रिटर्न लेंगे, आपको भी जरूर लाके देंगे। भरोसा करना, बिलीव मी, ये सब बातों से बिजनेस और इन्वेस्टमेंट नहीं होते। लेकिन आप चाहते हो कि हम 75 लाख डालें फॉर दैट 15%, वो मेरे लिए तो बात नहीं बनेगी। फैसला बहुत है, मैं नहीं पार कर पाऊंगा। आप बड़ा बिजनेस बनाओगे मुझे इसमें जीरो डाउट, पर अभी जिस स्टेज पे है ना टू पुट इन 75 लाख इन इक्विटी एंड 15%, मैं आपको खुद ही मैथ बताया है, आप कोई भी फ्यूचर कैश फ्लो बना लो, 3 साल में मेरे को 75 लाख रुपया वापस कर दो और मेरे से 75 ले लो 15% पे। तो बॉटम लाइन इज वो आपका काउंटर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप प्लीज डिसीजन दीजिए। आपकी एक लाइन थी बहुत पावरफुल थी, खोने के लिए कुछ था ही नहीं तो बस चल पड़े। और हमारी कोशिश यही था, आप बैठे हो वहाँ पे, हम भी एक दिन बैठेंगे जरूर। हम खड़े हो गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।